हाँ जी, गुड इवनिंग, क्या हाल है? गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है? आर वी लाइव एवरीवन? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, क्या हाल है? अरे बस, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? सर आपने कल वाले नोट्स के लेक्चर, अरे टेलीग्राम पे सेंड नहीं हुए? आई विल आस्क अगेन, अगर ऐसा कुछ है तो वो सेंड हो जाएंगे, राइट? हाँ, डू नॉट नीड टू स्पैम, डू नॉट नीड टू स्पैम। क्या हाल है भैया, सब लोग सब मस्त? तो गाइस आज करने वाले अपन लोग वन शॉट किसका, रेस्पायरेशन का, सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो के अंदर, विद कुछ थोड़े बहुत आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं आज, राइट? सो हाउ इज एवरीवन, आर यू गाइस एक्साइटेड और नॉट, जस्ट लेट मी नो। एवरीवन एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? अरे बताओ 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 बताओ, हेलो एवरीवन। ओके, सो फॉर हु डोंट नो मी, दिस इज गौरव बठेजा एंड यू ऑल आर वेलकम ऑन नीव फाउंडेशन एंड एनटीएससी। यहां पे हम लोग कर रहे हैं डेली वन शॉट्स विद द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फॉर नीट एनटीएससी एंड बोर्ड्स, राइट एवरीवन? ओके 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 ओके, सो हियर विल गो। एक मिनट, हाँ एक सेकंड, यार ये वायर उलझ गई, एक मिनट है ना, एक सेकंड रुको। नो इट्स गुड, एक मिनट। ओके, सो हियर वी आर। सो पर्टिकुलरली अपन लोग करने वाले हैं आज वन शॉट, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, देन डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एज वेल एज पीपीटीज, पीडीएफ्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू यू। ओके, तो आप नीव पीएनसीएफ के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च बार में जाना है और आपको t.me/nevpncf टाइप करना है, और यू जस्ट कैन सर्च नीव फाउंडेशन एंड एनटीएससी। सो दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, फ्री क्वालिटी कंटेंट। नीम एकेडमी का हमेशा से मोटो ये रहा है कि द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इन द लोएस्ट प्राइस, राइट और फ्री, राइट? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम। आज का टॉपिक है रेस्पायरेशन, वो भी वन शॉट के अंदर, सारे कूल कॉन्सेप्ट हम लोग कर लेंगे इसके अंदर। बिफोर स्टार्टिंग दिस अमेजिंग सेशन, जस्ट लेट मी नो हाउ इज द जोश एवरीवन, हाउ इज द जोश पीपल? इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, हाउ इज द जोश एवरीवन? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, एंड 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 वीडियो को शेयर करना मत भूलना भैया, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक वाइक भी कर देना यार, राइट? चले ओके ओके ओके, जोश इज हाई, ओके पीयूष, ओके आदित्य, सो लेट्स स्टार्ट टुडे इज मस्ती। ओके, सो पर्टिकुलरली हमें टॉपिक करना है आज क्या, रेस्पायरेशन।
मैंने ना जब न्यूट्रिशन का वन शॉट लिया था उस टाइम पे भी आपको एक चीज बहुत क्लियरली बताई थी, वो क्या थी कि जब भी हम फूड ऑब्टेन करते हैं तो फूड का ऑब्टेन किस लिए किया जाता है, फूड का इंटेक किस लिए किया जाता है, क्योंकि एक तो अपन को उससे एनर्जी चाहिए राइट अवे, ठीक है, और एक कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिनका यूज हम ग्रोथ के लिए करते हैं, हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं फॉर एवरीथिंग। तो गाइज जो ये एनर्जी वाला पार्ट है ना, ये हमारा रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो जाता है। कैसे? कि अब फूड है, उस फूड का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा उससे एनर्जी निकालने के लिए, और जो पूरी कहानी है कैसे आपके जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो सारी की सारी कहानी कहाँ पे आती है? रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ऑब्वियसली जो फूड का यूज है वो अपन किसके अंदर देखते हैं? रेस्पिरेशन के अंदर। सबसे पहले तो देखो दो टर्म्स में बड़ी कंफ्यूजन होती है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। देखो जो पहली टर्म होती है दैट इज ब्रीथिंग, और दूसरी जो टर्म होती है दैट इज रेस्पिरेशन। एक टर्म क्या होती है यार? ब्रीथिंग, और एक दूसरी टर्म क्या होती है? रेस्पिरेशन। देखो एक चीज समझ के चलो, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। देखो ब्रीथिंग का मतलब सिर्फ इतना है, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारे फूड को हमें ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की नीड है, हम वो गैस इनटेक करते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि पूरे प्रोसीजर में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, हम उस CO2 को बॉडी के बाहर निकालते हैं। सो दिस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2 इज नोन एज ब्रीथिंग, राइट। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपने इस O2 का ऑक्सीजन का इंटेक किया है, आप इसको यूज करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे फूड के ब्रेकडाउन के लिए, दैट इज रेस्पिरेशन। सो एवरीवन, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? ये बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता है बोर्ड्स में, ठीक है, कि डिफरेंस बताओ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में। ब्रीथिंग इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रेस्पिरेशन इज व्हाट? द रेस्पिरेशन इज हमें O2 लेना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है फॉर आर एनर्जी, राइट अवे। समझ आया सबको? एवरीवन गुड इवनिंग एवरीवन। Everyone, every name. Hello, Dia. How are you? Okay. Hello, everyone. How are you all, guys? Okay. So here we'll move to the next concept. What is that? कि अपन को अब ये discussion करना है कि जो मेरा रेस्पिरेशन है उसके पर्टिकुलरली दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो। एक तो होता है देखो एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड सेकंड वन इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, एरोबिक का मतलब वहां पे क्या यूज हो रही है? ऑक्सीजन। और एन एरोबिक का मतलब वहां पे क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑब्वियसली देखो हम एक ऐसा मैकेनिज्म, ह्यूमन एक ऐसा मैकेनिज्म हमेशा से अडॉप्ट करता है जो ज्यादा एफिशिएंट हो, और इन दोनों में से मोर एफिशिएंट कौन है? एरोबिक। तो ह्यूमन के अंदर मेजरली कौन सा एरोबिक, कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक। ऐसा नहीं है कि एनारोबिक नहीं होता है, हमारी मसल्स के अंदर होता है एनारोबिक, बट मेजरली हमारे ह्यूमन के अंदर कौन सा होता है? एरोबिक। अब इस सारी कहानी को समझने के लिए आप पहले एक चीज समझो, वो क्या है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता कैसे है। जस्ट वील गो थ्रू द मैकेनिज्म फर्स्ट, राइट? एनी डाउट्स? ओके, होता क्या है? जस्ट लेट मी टेल यू। देखो हमें ना तीन प्रोसेस देखने होते हैं, ठीक है, समझो। फर्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, ओके,
सेकेंडली वी हैव टू टॉक अबाउट क्रेब साइकिल. इन दोनों के बीच में एक स्टेप और होता है, दैट इज लिंक रिएक्शन, जो इन दोनों को लिंक करती है. एंड थर्ड वी हैव टू लुक एट ई टी एस, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, अब एक चीज समझो, एक चीज बहुत ध्यान से समझ में. एरोबिक का मतलब क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, राइट? एक चीज समझो, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. और इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, देखो फूड लास्ट फॉर्म शुगर ग्लूकोज और बाद में एम्फीबोलिक पाथवे, तो रिलेशन भी सबके साथ होता है. तो आपके लेवल पे आपको याद रखना है कि देखो ग्लूकोज है हमारे फूड के अंदर, ऑब्वियसली ये शुगर है, ये किसमें कन्वर्ट होता है? इट इज अ सिक्स कार्बन शुगर ग्लूकोज, C6H12O6. ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है पाइरूविक एसिड और पाइरूवेट, जो कि एक थ्री कार्बन कंपाउंड है. कितने कार्बन कंपाउंड है? थ्री कार्बन. ये जो एक ग्लूकोज से कितने बनेंगे? ऑब्वियसली दो बनेंगे, तभी तो जाके क्या होगा, बैलेंस होगा. ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, और ये साइटोप्लाज्म में होता है. कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर. इस स्टेप के अंदर ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है. इस स्टेप के अंदर ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती है. तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा. मतलब एरोबिक और एन एरोबिक के बीच का अगर कोई कनेक्टिंग स्टेप है तो वो यही है, कनेक्शन है वो यही है, राइट? अब पाइरूविक एसिड का फेट, या फिर आप ऐसे बोलो कि पाइरूविक एसिड का भविष्य, इस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, एक चीज समझो कि अगर, अब पहली कंडीशन एज्यूम करते हैं कि अगर यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, तब तो हमारे ये स्टेप चलेंगे. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में, राइट? फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचेंगे. अरे माइटोकॉन्ड्रिया सबको याद है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए तो बोलते हैं कि फॉर लास्ट एनर्जी वहीं पे बनती है. ठीक है ना, तो पर्टिकुलरली अपन क्या बोलते हैं कि अब पाइरूविक एसिड कहां पहुंचेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में. ठीक है, लिंक रिएक्शन चलेगी और अल्टीमेटली वहां पे क्या चलेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में? क्रेब साइकिल. इसकी लोकेशन क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स. फिर क्रेब साइकिल चलेगा और फिर लास्ट में क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसकी लोकेशन क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है, और ये प्रोसीजर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का. यहां से बनती है 36 और 38 ATP. ये एक्चुअली शटल सिस्टम्स पे डिपेंड करता है, लेकिन इतने डिटेल में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट? ये तो हुआ जब O2 प्रेजेंट थी, तब अपन ने क्या बोला कि कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक. अब एक केस और भी कौन सा हो सकता है? दैट इज एन एरोबिक. एन एरोबिक के टाइम पे क्या होगा? O2 एब्सेंट होगी. क्या होगा? O2 एब्सेंट, राइट? ठीक है, यहां पे क्या होगा? O2 एब्सेंट.
जब O2 एबसेंट होगी यहां पे, उस टाइम पे पाइरूविक एसिड के पास देखो दो फेट है। यहां पे जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। बेसिकली यहां पे दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो टाइप का फर्मेंटेशन होता है। एक तो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन सा फर्मेंटेशन? अल्कोहलिक, जिसके अंदर क्या बनेगा, एथेनॉल, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली अल्कोहल है। साथ में क्या रिलीज होगी? CO2, क्योंकि ये तीन कार्बन का प्रोडक्ट, ये दो और एक तीन हो गया। या फिर क्या होगा, यहां से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या आ रहा है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या है, आपका एथेनॉल बना है, यहां पे आपका क्या बना है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है, दिस इज पर्टिकुलर नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और इस वाले प्रोसेस को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दोनों के अंदर ही क्या रहता है, बहुत ही लेस अमाउंट में एनर्जी निकलती है, अराउंड ऑफ 2 ATP। कहां आप देखो 36 या 38 ATP निकल रहे थे, और कहां 2 ATP निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर मजा नहीं आ रहा है तो यू कैन लीव, डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज। राइट, पर्टिकुलरली क्या हो रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर O2 यूज हो रही है, तो वहां पे कौन कौन से स्टेप हो रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब साइकिल दोनों पे हो रहे हैं, साथ ही साथ वहां पे ETS भी हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन स्टेप होगा, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनएरोबिक हो। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो अंत में कितनी ATP बनती है, 36 to 38। अगर एनएरोबिक या फर्मेंटेशन होता है तो अंत में कितनी ATP बनती है, 2 ATP। ये दो टाइप का हो सकता है बेटा, अल्कोहलिक और लैक्टिक। अल्कोहलिक में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्कोहल, एथेनॉल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। इसका यूज बेटा इंडस्ट्रीज में बहुत किया जाता है, जो ब्रीवर्स इंडस्ट्री है ना, आपकी फेवरेट प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है इसका, ये मसल्स में होता है, मसल क्रैम्प। ठीक है, ब्रीवर्स इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है, और यहाँ पे ये यीस्ट के थ्रू ये फर्मेंटेशन होता है ना, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ब्रीवर्स यीस्ट या बेकर्स यीस्ट बोलते हैं अपन उसको, है ना। लैक्टिक एसिड के अंदर क्या होता है कि आपकी मसल्स थक जाती है, वो इसी कारण से थक जाती है। ठीक है, इसीलिए बेटा आप जब भागते हो तो आपकी सांस तेज चलती है, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी ऑक्सीजन हर मसल को पहुंचाना चाहती है, इसी कारण से बेटा मसल क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा, है ना। ठीक है, तो ये बेटा एक फ्लो चार्ट था जिसके अंदर सारी बातें अपन ने आपको क्लियर करा दी। ठीक है, अब समझते हैं, आगे अपन को समझना है बेटा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ेंगे क्या एवरीवन, एनी डाउट्स एवरीवन? सर क्विज, अरे भाई पढ़ तो ले, आता है क्या तुझे सब कुछ यार, है भाई PDF दे देंगे बेटा, और कुछ बेटा जल्दी जल्दी बताओ, और कुछ, एनीथिंग एल्स एवरीवन, जल्दी से बताओ। ठीक है, बेटा अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल पढ़नी है तो ये सॉरी है, एक क्लास NTSC के लिए है, नीट के लिए नहीं है। ठीक है, सो प्लीज आप
अपना टाइम वेस्ट ना करें अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल पढ़नी है, ठीक है। ये प्योर क्लास एनटीएससी के लिए पढ़ाई जाती है, ठीक है। हमें पता है बेटा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बना है, सब पता है, लेकिन ये क्लास उसके लिए नहीं है, ठीक है ना। चलो यार देखो, मूड खराब मत करो प्लीज, है ना, मस्त रहो, जितना पढ़ा रहे उससे बाहर नहीं आएगा, ये श्योरिटी है, ध्यान रखो, उससे बाहर नहीं आएगा, जितना पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ने से पहले तुम ये समझो, ये भी बेटा बहुत ज्यादा डिटेल है तुम्हारे लेवल पे, ठीक है ना, ये भी तुम्हारे लेवल पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को आप समझो, कराने को बेटा मैं बहुत कुछ करा सकता हूं लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, पर्टिकुलरली ये आपके लिए हुआ पीपीटी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है बेटा जो आपके लिए स्पेशली ऐड करी गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर ये नीट वाले क्या करे सर। बेटा नए चैनल और दूसरा चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, राइट, नीट क्रैकर्स पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलो, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। ओके यहां पे बेटा अपन को देखो कुछ एग्जांपल्स याद रखने, ये आपके सोच समझ के ये बनाया देखा गया है कि जहां पे आपके पुराने पेपर्स में ये जो क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से बेटा आपके लिए ये देखा गया, ठीक है। कौन कौन सा ऑर्गन, कौन कौन से एग्जांपल हैं, ये आप इनकी डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाएं तो बेहतर है। पर्टिकुलरली अपन को इन चीजों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। यहां से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप एक चीज समझ के चले, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं, देखो जनरल बॉडी सरफेस मतलब बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करता है बेटा, स्पॉन्जेस, मेनली इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो बेटा स्पॉन्ज है, इसी के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एज वेल एज बेटा अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, ये तो बेटा देखो लिखी हुई बातें है ना, ये किसके अंदर होता है बेटा, अर्थवर्म्स और एम्फीबियन से आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए बेटा आपको एक ही स्लाइड के ऊपर दे रखा है। अभी क्या है, अपन 10th क्लास में इनका बहुत डिटेल नहीं पढ़ते हैं, आप आगे जाएंगे तो शायद इनका भी आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। क्या हो गया, अरे क्या हो गया, कहां कंफ्यूज हो जा रहे हो यार, क्या करे जा रहे हो, भाई पढ़ लो और पढ़ा लें दो यार, क्या हो गया, अनसब्सक्राइब कर दो क्या सर। हाँ बेटा आप कर सकते हो अनसब्सक्राइब, कोई इशू नहीं है, क्या कर जा रहे हो यार, पढ़ लो ध्यान से। चलो, ट्रैकियल ट्यूब किसके अंदर मिलती है बेटा, इंसेक्ट्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटीपीड मिडिपीड लार्वा और आर्थ्रोपोडास के, ठीक है। गिल्स आप सब लोग को पता है बेटा, फिशेस, टेडपोल, टेडपोल माने फ्रॉग का, जो इनिशियली आपने अगर पढ़ा हो फ्रॉग का लाइफ साइकिल तो आपको टेडपोल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, छोटी क्लास के अंदर बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है। और मोस्ट वर्टिब्रेट्स में बेटा क्या होते हैं, कौन यूज होते हैं, लंग्स फॉर दिस रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ठीक है ना। चलो, मुद्दा यह है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्यों, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैं इसमें से सब कुछ रिमूव कर रहा हूं इस स्लाइड पे से, आप प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, राइट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, इसके अंदर हर चीज बहुत डिटेल में लिखी हुई है, इसको याद ही करना पड़ेगा बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना,
ओके सो हेयर गाइज नाउ वी विल गो टू आर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो चलो आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं. देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है. यहाँ पे आप हर चीज बहुत डिटेल में समझ सकते हो. इस डायग्राम के थ्रू आपको हर चीज बहुत डिटेल में पता लग जाएगी. तो करें क्या शुरू एवरीवन, भैया करें क्या शुरू एवरीवन. गाइज लेट मी स्टार्ट. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुड बी स्टार्ट. ठीक है ओके. सो गाइस देखो ऑब्वियसली हम लोग यहां पे हमारे सबसे पहले बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. क्या है ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जिसके थ्रू बेटा अपन लोग कोई भी एयर है या उसका क्या करते हैं इनटेक. ठीक है ये बेटा जो पीछे इसके कैविटी पाई जाती है, ये आप जो कैविटी देख सकते हैं दिस इज पर्टिकुलर नेजल कैविटी. एयर आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए कहां पहुंचती है नेजल कैविटी में. आपके गाइस जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट, ये जो आपके सॉरी जो पीछे आपका पाथ होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एक तो प्रेजेंट होते हैं कुछ छोटे छोटे हेयर्स, साथ में क्या प्रेजेंट होता है बेटा म्यूकस. हेयर्स और म्यूकस क्या करते हैं बेटा, देखो इस जो ये पूरा नेजल पैसेज है, जो ये पूरा नेजल पैसेज है इसका काम क्या होता है बेटा, एक तो ये जो बाहर से एयर आ रही है, जो बाहर से क्या आ रही है एयर, उसको बॉडी के टेम्परेचर पे लेके आएगा. साथ में बेटा यहां पे हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होगा तब क्या होता है कि अगर बाहर से कोई अनवांटेड मटेरियल या अनवांटेड पार्टिकल आपके नेजल पैसेज के थ्रू आपके अंदर आ रहा है तो बेटा वो बहुत सारे चांसेस है कि वो यहीं पे इनके द्वारा स्टॉप कर लिया जाएगा और फिर आपकी एयर जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर पर आ चुकी है वो आपके इस बॉडी के अंदर आएगी यहां पे. ठीक है मैंने फूड के अंदर भी पढ़ाया था कि देखो ओरल कैविटी मतलब जहां से अपन खाना खाते हैं हमारा मुंह, और नेजल कैविटी जहां से हम लोग सांस लेते हैं एयर अंदर जाती है बॉडी के, उनमें बीच में एक कॉमन जगह होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा फेरिंग्स. लास्ट न्यूट्रिशन वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स लैरिंगोफेरिंग्स. यहां पे पर्टिकुलरली अपन को ये याद रखना है कि बस फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर. ठीक है एक चीज और समझो यहां पे कि यहां पे जो ये कॉमन पाथ है किसके लिए, फूड और एयर के लिए. तो फेरिंग्स यहां पे नीचे देखो, इस बार पिछली बार क्या हुआ था देखो, पिछली बार क्या हुआ था एक मिनट, हाँ पिछली बार क्या हुआ था गाइस अपन ने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई थी, क्या याद आ रहा है, क्या सब लोग को याद आ रहा है, क्या इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई थी है ना, इसके ऊपर अपन ने बनाया था एक ढक्कन है ना. ये क्या थी बेटा पिछली बार, क्या थी ये ट्रैकिया, ये मैंने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था. और ये क्या थी बेटा ईसोफेगस. ट्रैकिया के ये जो होल है ऊपर की तरफ इसको अपन ने क्या बोला था बेटा ग्लॉटिस, क्या बोला था ग्लॉटिस. और ईसोफेगस के होल को बेटा अपन ने क्या बोला था गलेट. तो यहां पे बेटा अपन ने क्या बोला था ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं एपी ग्लॉटिस, जो क्या करता है बेटा जो फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है. कारण कि अगर फूड ट्रैकिया में चला जाएगा तो बेटा ट्रैकिया क्या हो जाएगी, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप क्या हो जाएगी बेटा चोक, क्या हो जाएगी चोक. इज इट क्लियर, ट्रैकिया या विंड पाइप क्या हो जाएगी चोक. ठीक है पर्टिकुलरली आप एक चीज समझो, जब ये ट्रैकिया या विंड पाइप यहां पे चोक हो जाएगी तब बेटा अपन कहां से एयर का एक्सचेंज करेंगे, दैट इज व्हाई एपिग्लॉटिस पाया जाता है. इसीलिए हमेशा बोला जाता है बेटा
कि आपको खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेटा ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रैकिया का एक एक्सटेंशन मिलता है इस जगह पे, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन यहाँ पे, लैरिंग्स या फिर आपका वॉइस बॉक्स। क्या होता है? या तो लैरिंग्स या फिर क्या होता है बेटा, वॉइस बॉक्स, जिससे वॉइस क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, वॉइस। अब ऑब्वियसली जब ये लैरिंग्स या जो वॉइस बॉक्स है ये वॉइस प्रोड्यूस करता है, तो वो कैसे करता है बेटा, वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है? वॉइस इज जस्ट जो हमारे बेटा क्या होते हैं, वाइब्रेशंस, ठीक है? तो हमारी बॉडी से बेटा जो एयर है वो बाहर की तरफ निकलती है, अपन जब बोल रहे तब भी बेटा देखो एयर बाहर की तरफ आती है, ठीक है? वो इसको वाइब्रेट करता है और इससे कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि बेटा साउंड आगे की तरफ ट्रेवल करती है, वो सब आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो बेटा जब आप बोलते हो तो इस टाइम पे इस पे लगता है प्रेशर, जिसके कारण से बेटा एपिग्लोटिस के खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एपिग्लोटिस के खुलने के चांसेस जैसे ही ज्यादा बढ़ जाते हैं तब यहाँ से बेटा फूड अंदर आ सकता है, चोक हो सकता है। इसीलिए बड़े बूढ़े बोलते हैं कि आपको खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग जो हमें बेटा याद रखनी है बहुत ही अच्छे से। कौन बेटर है कौन नहीं बेटा ये तो मैं नहीं बोलूंगा, है ना? कुछ लोगों को बेटर बता रहे हैं और कुछ हमें ऐसे बोल रहे हैं कि ये बेटर है और आप अच्छे नहीं हो। तो बेटा देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको जहां समझ आ रहा है वो जगह सबसे ज्यादा बेटर है, चाहे वो कोई भी हो। हो सकता है वो मैं भी ना हो, सकता है वो कोई और टीचर भी ना हो, कहीं का भी कोई भी ना हो, ठीक है? सो बेटा भावनाएं बनाए रखे, है ना? टीचर्स वहां भी, जिस जगह की आप नाम ले रहे हैं वहां के टीचर्स भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी बेटा आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको बस आउटपुट से मतलब है, अगर आपका आउटपुट अच्छा होगा, आपकी मेहनत का रिजल्ट बेहतर होगा, तो आपकी लाइफ बेहतर होगी बेटा। आपको बेटा क्या करना है ना, कोई बेटर है कोई नहीं है उससे क्या ही हो जाएगा बेटा, है ना? हाँ सब बेटर है बेटा, सब बेस्ट है ना? मैं तो बेटर बोलता ही नहीं हूं, सब बेस्ट है बेटा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अरे कोई दिक्कत, अरे डोंट स्पैम गाइस, ठीक है? डोंट स्पैम, किसी को नेगेटिविटी फैलाने की जरूरत नहीं है, प्लीज इस बात को सब लोग समझ के चले, है ना? किसी को नेगेटिविटी करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के खिलाफ, ना ही किसी के मतलब लिए, क्योंकि आप एक चीज समझो कि आप एक चीज समझ के चलो प्लीज, एक मिनट। मैं वैसे ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई जनरली देता नहीं हूं, बट ये हर दूसरे एक दिन ऐसा कोई कमेंट दिख जाता है, तो आज मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं न्यू एकेडमी के यूट्यूब चैनल से इस बात को बताने के लिए कि न्यू एकेडमी आपकी ही संस्था है, ठीक है? नीव एकेडमी आपकी ही संस्था है, ठीक है? आप लोग हैं तो हम लोग हैं। अब ना थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये जो भी है, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर आपको कुछ चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता है तो आपको उन चीजों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये कायदा कहता है, ठीक है? चलो ठीक है ना, ओके। ये कहानी जो हमको बहुत अच्छे समझनी थी, बट हाँ एक चीज मैं दोबारा बोल देता हूं, शायद कुछ लोगों ने सुनी और कुछ लोगों ने नहीं सुनी, मुझे पता है कि वैसे तो सब लोग सुन ही रहे होंगे। कोई किसी का कोई किसी से कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है? लाइफ में कभी किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं होता है, अपनी तरफ से सब आपको आपके लिए अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप पेरेंट हैं या आप स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, है ना? मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, आपके लिए सब लोग अपने एफर्ट्स कर ले, वो लोग भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए 4-4 घंटे का लाइव चला रहे हैं हम भी, है ना? अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तब भी हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देने का ट्राई कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि इन ओपन प्लेटफॉर्म्स पे हेट ना फैलाई जाए, और बिना हेट के आप
अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हो उनसे पढ़ो, या अगर आप किसी तीसरे सोवर से पढ़ना चाहते हो तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, बस सिर्फ हेट नहीं फैलाई जानी चाहिए, ठीक है क्या? नहीं, इट्स नॉट अबाउट लिविंग और नॉट लिविंग, अरे नहीं समझे नहीं, इट्स नॉट अबाउट मेरा मूड ऑफ या कुछ और, लिटरली बताऊं, देखो पता है क्या होता है, एक चीज समझ के रखो, है ना, इट्स कि यार अब तो मुझे यूट्यूब पे इतनी आदत हो गई है ना, कि अब मुझे इन बातों का बुरा तो नहीं लगता है, बट हाँ अगर आपको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कुछ तो फिर आप कुछ बोलोगे तो वो फिर सही नहीं लगता है, मतलब ठीक है ना, समझ रहे हो? अरे नहीं मुझे बुरा बुरा कुछ नहीं है बेटा, है ना, बुरा बुरा कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है, अरे अरे फिर वही बात, आई डोंट हैव टू इग्नोर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट द थिंग इज कि आप लोग पढ़ो, आप लोग को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, चलो तो नॉस्ट्रिल से अपन पीछे चले नेजल के, अरे अरे मार्कर तो कलर बदलो, नेजल कैविटी की तरफ, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, हेयर्स और म्यूकस, यहां पे क्या क्या प्रेजेंट है गाइस, हेयर्स एज वेल एज म्यूकस, जो आपको किससे बचाते हैं, नेजल पैसेज में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर और म्यूकस, जो आपको बाहर के बैक्टीरिया डस्ट इन सबसे बचाते हैं, नेजल पैसेज में आपके लिए टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे एयर को ले जाया जाता है, ठीक है, नीचे ऑब्वियसली फिर अपन ने अभी अभी स्ट्रक्चर देखी थी कि यहाँ पे देखो ये क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एपिग्लॉटिस, जो पीछे जाते तो इधर इधर की तरफ निकल जाएंगे, ये तो एक एक ही ट्यूब बनाई हुई है जो आपके इस ट्रैकिया वाली पाइप को बचाता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, लैरिंग्स, लैरिंग्स इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रैकिया, किसका एक्सटेंशन होता है, ट्रैकिया का, और इट इज अ वॉइस प्रोड्यूसिंग बॉक्स, इसको इसीलिए अपन क्या बोलते हैं बच्चों लोग, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। अब जो ये ट्रैकिया होती है गाइस, जो विंड पाइप होती है, इसके अंदर कुछ सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग्स मिलती हैं, क्या मिलती हैं, सी शेप्ड, किसकी मिलती हैं, कार्टिलेज की, जो बेटा एयर की एब्सेंस में इस ट्रैकिया को क्या करने से बचाती है बेटा, कोलैप्स करने से बचाती है, तो ट्रैकिया के अंदर क्या प्रेजेंट होती है गाइस, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, कैरिना मतलब वो एरिया जहां पे ये ट्रैकिया आगे डिवाइड हो जाती है बेटा, लेकिन आप इन लंग्स की पोजीशन समझो पहले, ठीक है, पीछे वाले बेटा मैंने एक डायग्राम रख रखा है जहां पे आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, दिस इज आवर राइट लंग, दिस इज आवर लेफ्ट लंग, आप बेटा ऐसे मत देखना कि ये आपका राइट है, ये इस तरीके से बेटा है ना, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, सो दिस इज बेसिकली द राइट लंग एंड दिस इज बेसिकली द लेफ्ट लंग, ठीक है, तो यहां पे कितने लोब्स मिलते हैं गाइस, 1 2 3, आपको 3 लोब्स दिख रहे हैं, यहां पे कितने मिलते हैं, 1 2, राइट लंग इज अ 3 लोब स्ट्रक्चर, लेफ्ट लंग इज पर्टिकुलरली अ 2 लोब स्ट्रक्चर, यहां पे आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है, एक चीज और समझो, आप देखो इन लंग्स के बीच में एक, इन लंग्स के बीच में एक हार्ट, ये देखो आप क्या मिल रहा है यहां पे, हार्ट, ये हार्ट बेसिकली कहां मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारे कार्डियक नोच मिलता है वहां पे, ये हार्ट प्रेजेंट है, देखो ये फिस्ट शेप का होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाले टाइम पे आपको पढ़ाया जाएगा, सो दिस इज द पोजीशन, यहां पे नीचे क्या प्रेजेंट होता है गाइस, डायफ्राम, क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम, आप देखो ऊपर वाली जो कैविटी है, जहां डायफ्राम से ऊपर वाली जो पर्टिकुलर कैविटी है, दैट इज नोन एज थोरेसिक चैम्बर और थोरेसिक कैविटी, नीचे वाली जो कैविटी है दैट इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इस ये डबल डायफ्राम, उससे ऊपर थोरेसिक, उससे नीचे एब्डोमिनल, आप एक चीज और बहुत ध्यान से समझो कि जो लंग्स है ये सॉलिड स्पॉन्जी होते हैं, ह्यूमन के लंग्स कैसे होते हैं गाइस, सॉलिड एंड स्पॉन्जी, ठीक है, तो ये बेटा जब भी लंग्स के वॉल्यूम को अपन को बढ़ाना या कम करना होता है उस टाइम पे बेटा क्या होता है,
आप एक चीज समझो, उस टाइम पे हमें उसके बाहर वाली कैविटी का वॉल्यूम कम या ज्यादा करना पड़ता है ताकि लंग्स स्पॉन्जी हैं ऑब्वियसली, अगर उसके बाहर कैविटी के वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा तो लंग्स के वॉल्यूम पे भी फर्क पड़ता है। इट्स इट क्लियर? जब ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे तब एक चीज और समझ के चलना आप लोग बहुत ध्यान से, वेट अ सेकेंड, एक चीज और समझ के चलो कि यहां पे लंग्स में देखो मेजरली जो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, मेजरली जो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर, उसमें बेटा दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है बेटा कंडक्टिंग पार्ट और एक पार्ट होता है एक्सचेंज पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो बेटा क्या करता है कि वो एयर को एक्सचेंज होने तक स्ट्रक्चर्स में कंडक्ट करा के लेके जाता है, ठीक है, और एक्सचेंज पार्ट वो पार्ट होता है जो एक्चुअली एयर को एक्सचेंज कराता है, ठीक है। यहां पे देखो बेटा जो मेरी ब्रोंकाई है वो, सॉरी, जो मेरी ट्रैकिया है वो किसके अंदर डिवाइड होगी बेटा, ब्रोंकस या ब्रोंकाई के अंदर, किसके अंदर डिवाइड होगी, ब्रोंकाई के अंदर। ये ब्रोंकाई आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और एंड में ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स टर्मिनल तक बेटा डिवाइड होती है, ठीक है। अल्टीमेटली आप एक चीज और समझेंगे यहां पे कि यहां तक सारा पार्ट कंडक्टिंग ही है, कहीं एक्सचेंज नहीं हुआ। लंग्स के अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जिनको बेटा अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। अब जो ये एल्वियोलाई होती है बेटा, ये लोकेशन होती है गैसियस एक्सचेंज की, कहे कि बेटा गैसियस एक्सचेंज होने की लोकेशन क्या होती है बेटा, एल्वियोलाई। एक चीज यहां पे ये याद रखना, एल्वियोलाई बेटा देखो अब ये लंग्स के अंदर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होती है, लगभग 300 मिलियन के करीब एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। और लगभग अगर अपन इन सारे स्पेस को जो लंग्स के बीच में ऐसे घिरता है एल्वियोलाइज के द्वारा, अगर अपन उसको यूं बाहर ला के फैला लें तो करीब 80-100, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में 80 लिखा है, वैसे 80-100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाली चीज भी बहुत अच्छे से अपन को याद रखनी है कि एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। तो आप ये वाली बात भी बहुत अच्छे से याद रखें। फिर से वही राइट लंग थोड़ा आपको देखो, थोड़ा सा दिख रहा है तीन लोब्स की स्ट्रक्चर और यहां पे आपको टू लोब्स की स्ट्रक्चर है। देखो लंग्स के बाहर जो ये मेम्ब्रेन मिल रही है ना बेटा, यहाँ पे लंग्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो मेम्ब्रेन मिल रही है ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है बेटा, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे बेटा दो मेम्ब्रेन होती है, एक देखो बाहर वाली प्लूरा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेराइटल प्लूरा या पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। एक बेटा अंदर वाली प्रेजेंट होती है यहाँ पे मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा या विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में बेटा एक फ्लूड मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूड, क्या बोला जाता है बेटा, प्लूरल फ्लूड। कभी कभी बेटा ये प्लूरल इसमें प्लूरल फ्लूड बढ़ जाता है तो कभी कभार सूजन भी आ जाती है उस चक्कर में, और वॉल्यूम में डिफर होने के कारण आप ढंग से एयर सांस नहीं ले पाते उस टाइम पे, है ना, ढंग से ब्रीथिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, राइट। अब देखो एक चीज समझो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट है। पहले तो आप ये बताओ क्या आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट समझ में आया क्या, क्या बेटा आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट
समझ में आया क्या एवरीवन? क्या आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट समझ में आया? बताओ भाई, ठीक है? ओके, चलो ओके। अब एक चीज और समझो कि जब अपन को एक्सचेंज समझाना है, तब आप एक चीज बहुत ध्यान से समझो कि जब अपन एक चीज समझो, देखो पहले एक ही चीज समझो, आप एक चीज हमेशा याद रखना कि प्रेशर, एक मिनट, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब बेटा क्या कहना चाहता हूं मैं कि जब वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगी। मतलब इनमें इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है? इनमें क्या रिलेशन होता है बेटा? इनवर्स, ठीक है? देखो बेटा, जब अपन सांस अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इंस्पायरेशन। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। क्या? सांस अंदर लेने को क्या बोलते हैं बेटा? इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन। और सांस बाहर छोड़ने को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपायरेशन। देखो, सांस अंदर लेना में एनर्जी लगती है, दैट इज व्हाई दिस इज बेसिकली एक्टिव प्रोसेस। एंड मोर और लेस जो एक्सपायरेशन होता है वो तो एनर्जी छोड़ना, सॉरी सांस छोड़ना ही है, तो दिस इज पर्टिकुलरली अ पैसिव प्रोसेस। ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा बहुत बार, ठीक है? तो ये याद रख लेना, इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। एक चीज समझो, अब ना थोड़ा तुम इमेजिन करोगे, क्या करोगे? इमेजिन। अरे फिर वही बात यार, स्पैम मत करा करो, क्विज करा देंगे भैया, बोल दिया। जब क्विज विविज नहीं है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन रखे हुए पीपीटी पे, आपको आंसर देना होगा, राइट? क्विज वगैरह नहीं है बेटा, है ना? किसी सॉफ्ट थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट यहां पे क्वेश्चन रखे हुए हैं, यू जस्ट हैव टू रिप्लाई, ठीक है ना? सर आज तो आप फिजिक्स पढ़ाने लगे, अपन कुछ भी पढ़ा देंगे, है ना? चले, ओके। सो एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, जो आपको समझनी भी चाहिए, है ना? उसको समझो, फिर वही बात, प्लीज प्लीज, क्या कर रहे हो भाई? एक बार बोल तो दिया यार। चलो एक चीज सुनो, अब इमेजिन करेंगे, देखो सब लोग सांस लेके देखो, यहां पे मेरा डायफ्राम प्रेजेंट है, सबको विजिबल तो है क्या? हाँ, यहां पे मेरा डायफ्राम प्रेजेंट है, और यहां पे मेरी रिब्स के साथ में मसल कनेक्टेड है, ठीक है? तो यहां पे मेरी मसल्स भी प्रेजेंट है, इंटरकोस्टल्स, ठीक है? अब वो एक्सटर्नल इंटरनल कौन सी किस टाइम पे काम करती है, ये सब जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो ये समझो मसल्स, और आप तो डायरेक्टली ये याद रखो कि रिब्स और डायफ्राम यहाँ पे प्रेजेंट है। जब मुझे सांस अंदर लेनी है तब मुझे, अब एक चीज समझो, तब मुझे प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? पहले तो आप ये समझो कि जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है? हाई से लो जाएगी। तो जब, अब मैं आपके रिप्लाई सुनूंगा, क्या कि अगर मुझे सांस अंदर लेनी है, एयर अंदर लेनी है, सांस तो कैसे अंदर लोगे, एयर अंदर लेनी है बॉडी के, तो मुझे अंदर के प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा या कम? आपको क्या लगता है?
तब मुझे क्या करना पड़ेगा प्रेशर को, बेटा सांस में सांस के साथ आपको हवा को बॉडी के अंदर लेना है, इनटेक कराना है, बाहर नहीं निकालना है। तो ऑब्वियसली आपको अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा या कम रखना पड़ेगा? बताओ सब लोग बताओ यार, क्या रखना पड़ेगा बेटा? कम? अरे ज्यादा क्यों रखना पड़ेगा? समझे नहीं। एयर जाती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो अगर एयर बाहर से अंदर आ रही है तो प्रेशर बाहर हाई होगा या अंदर हाई होगा? दोबारा बताऊं क्या ये चीज को? यार ज्यादा क्यों रखना पड़ेगा? दोबारा समझ नहीं आ रही, चलो ठीक है दोबारा समझो। एयर ट्रेवल करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जब अपने को बॉडी के अंदर लाना है एयर को, तो ऑब्वियसली यहां पे प्रेशर कम करना पड़ेगा क्या? और प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा क्या? अंदर कम करना पड़ेगा भैया, अंदर कैसा करना पड़ेगा? कम। बाहर ज्यादा होगा, अंदर कम होगा। हेलो बेटा, हेलो एवरीवन, ठीक है? तो जब अंदर कम होगा तभी तो एयर बाहर से अंदर की तरफ आएगी, तो अंदर कम प्रेशर करने के लिए वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा। अब जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं, अब देखो तो मेरा डायफ्राम क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। अरे हाँ या ना, मतलब डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, मेरी जो मसल्स, ये जो मेरी इंटरकोशनल मसल्स है, रिब्स वाली मूवमेंट, ये बाहर की तरफ जा रही है, मतलब ऐसी मूवमेंट हो रही है कि मेरे ये जो थोरेसिक चैम्बर है इसका वॉल्यूम क्या हो जाए? ज्यादा। अब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, और बाहर की हवा अंदर आएगी। अरे हाँ या ना, ये वाली चीज समझ आ रही है क्या बेटा? ये वाली चीज समझ आ रही है क्या बच्चा लोग? दोबारा बताऊं क्या? द जोश इज वेरी हाई, द जोश इज वेरी हाई। पहले तो ये बताओ ये वाली चीज समझ में आ रही है क्या? ये वाली चीज समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ओके। अब समझो दूसरी कंडीशन। एक कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि जो मेरी बाहर की एयर अंदर आई, अब मुझे अंदर वाली जो वेस्ट एयर है इसको बाहर निकालना है, तो ऑब्वियसली अंदर का प्रेशर मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और बाहर का प्रेशर अगर अंदर वाले प्रेशर के कंपैरेटिवली कम होगा तभी तो ये एयर बाहर आएगी, ठीक है? क्योंकि एयर कैसे जाती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब प्रेशर अंदर बढ़ाने के लिए वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? कम। अब वॉल्यूम कम करना पड़ेगा तो मेरा डायफ्राम भी वापस अपनी पोजीशन पे आएगा ऊपर की तरफ, और जो मसल्स हैं वो भी वापस, रिब्स वापस अंदर की तरफ जाएंगी, जिससे मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। और वॉल्यूम के कम होते ही प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। प्रेशर के ज्यादा होते ही हवा कहां जाएगी? बाहर की ओर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर है क्या? तो चलो, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में इतना ही, क्योंकि एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मूड भी और सर भी अब थोड़ा सही नहीं है, तो बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यहां से तो वैसे देखो मेजरली तुम्हारे सिलेबस में जितना रेस्पिरेशन है उतना हो चुका है, ठीक है?
ये बेटा आपका रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस था, ठीक है ना। अभी एक्चुअली मेरा सर दुख रहा है, तो वी विल कंटिन्यू दिस, ओके। मतलब और नेक्स्ट क्लास में और कॉन्सेप्ट्स को भी अपन करेंगे, राइट। ठीक है, सो एवरीवन, हाँ यार सर दुख रहा आज, बता तो दिया भाई सर दुख रहा है। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो आज की क्लास में इतना ही, तुम्हारे रेस्पिरेशन वाला जो मेजर पार्ट है वो सारा का सारा डन है, ठीक है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आ रहे हो, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद एवरीवन। बाय बाय।